पर बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का आगमन हो चुका है। ऐसे लोग हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है, सच बताएं हृदय कहीं नहीं, बिहार में अब बाहर है, बिहार में बाहर है। अभी हम बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट पे खड़े हैं, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार वाले धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का आगमन हो चुका है। और 7:45 पर जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे, हजारों की संख्या में जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे हैं फूलमाला से। और बाबा का बयान भी सामने आया है कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं आए हैं, मैं कोई राजनेता नहीं हूँ बल्कि अपने हिंदू राष्ट्र के लिए बातों करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी पटना के एयरपोर्ट की। जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे, हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनको देखने के लिए उमड़ गए और उनको किस प्रकार से स्वागत किया जा रहा है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है 7:45 पर पटना पहुंच गए और फ्लाइट 8 की थी, हालांकि थोड़ी देर पहले जो है वो फ्लाइट आ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार आए हैं, बिहार में बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात बिहार पहुंचकर कह दी है कि बिहार में बाहर है। इतना ही नहीं, बागेश्वर धाम वाले बाबा जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि बिहार हमारे आत्मा में बसता है, हम बिहार आए हैं, बिहार के लोगों का प्यार हमें हमेशा मिलता रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। पहली दफे बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं वो पटना के धरती पर आए हैं। बयान दिए हैं कि मैं कोई राजनेता नहीं हूं। देखिए, हमने ये सवाल पूछा था उनसे कि आप बिहार आए हैं तो हिंदू मुसलमान करेंगे क्या, आपका विरोध होगा? उनके कई ऐसे विरोधी भी जो है खुलकर कह रहे थे कि विरोध होगा। उदाहरण अडवाणी जी का दिया जा रहा था कि अगर बिहार आए तो जिस तरीके से लालू यादव ने अडवाणी को गिरफ्तार किया था, लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने कहा कि हम बिहार में भूले नहीं कि सरकार किसका है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम हिंदू मुसलमान करने नहीं आए हैं, हम बिहार आए हैं हिंदू हिंदू की बात करने आए हैं, हिंदू हिंदू की बात। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वो हमेशा कहते रहे हैं जितेश कि हम हिंदुस्तान को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और कई बार खुले मन से बोलते हैं। लाखों लोगों की भीड़ होती है और पटना में भी आपको जनसैलाब देखने को मिलेगा, लेकिन आज उन्होंने जो कहा है कि हम हिंदू हिंदू करने आए हैं, यानी मुसलमानों वाली बात यहाँ नहीं होगी। साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं उन्होंने कि हम बिहार में आए हैं, सनातन की बात करेंगे, सभ्यता संस्कृति की बात करेंगे और हनुमान जी की बात करेंगे। यानी कि सबसे बड़ी जो खबर है राजधानी पटना से, जहां पर बागेश्वर धाम वाले सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो है आज पहुंच चुके हैं, और 13 मई से 17 मई तक उनका नौबतपुर में कार्यक्रम चलेगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो बिहार के तमाम जिलों से जो लोग हैं उनके पास अर्जी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नेपाल से, बिहार के अलावा और भी अनेक राज्यों से जो लोग हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, कहां से आ पाए हैं? मैं पूर्णिया से आया हूं, श्रीराम सेवा संघ। किस प्रकार से बागेश्वर धाम के स्वागत में आप लोग लगे हुए हैं? मैं सुबह सवेरे से ही यहाँ पे था। कुछ क्षण के लिए मैं बाहर गया तो बाबा निकल चुके हैं। तो बाबा जो है 8 पटना पहुंच चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो आप लोग पूरी तरीके से तैयार है स्वागत के लिए? जी, बिल्कुल। विरोधी पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा था कि एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे, क्या हुआ? वो हम लोग आए हैं उसी चीज के लिए, तो हम लोग आए उसी चीज के लिए। कहाँ से? किसी प्रकार का बाबा पे मतलब उस तरह का कोई विरोधाभास ना हो। हम लोग पूर्णिया जिले से आए हैं और हम लोगों की अपनी एक संगठन चलती है जिसका संगठन का नाम है श्री राम सेवा संघ पूर्णिया बिहार। तो पूर्णिया से चलकर राजधानी पटना में पहुंचे हैं बाबा के स्वागत के लिए। जी जी। नौबतपुर जाएंगे, अर्जी लगाएंगे। अभी हम लोग वहाँ निकलेंगे, पहले होटल जाएंगे, वहाँ बाबा का दर्शन करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद जिस होटल में जो है बाबा अभी ठहरे हुए वहाँ पर भी आप जाने वाले हैं? जी वहीं जाने वाले हैं। तो आज 8 का वो सुबह का इंतजार जो हर कोई कर रहा था कि आखिरकार बागेश्वर धाम वाले सरकार जो है वो बिहार के राजधानी पटना में कब पहुंचेंगे, लेकिन 8 से पहले ही 7:45 में वो पटना पहुंचे। और जिस प्रकार से जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, लगातार फूल माला से उनका स्वागत किया गया। और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि बाबा जो है आने के बाद अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम हिंदू के लिए बात को लेकर। हाँ, सुरक्षा को लेकर भी तमाम जगहों पर सबसे बड़ी चीज है कि आज अलर्ट जारी हुई है। ठीक है, आज अलर्ट जारी हुई है, आईडी ब्लास्ट का आशंका था। बागेश्वर धाम वाले बाबा 4 तक रहेंगे, तो यहाँ अब क्या हुआ है, सरकार ने ये फैसला लिया है कि पुख्ता सुरक्षा देंगे। और आप यहाँ भी तस्वीर देखते, मजिस्ट्रेट की तैनाती थी, कोई नेता आया तो मैंने मजिस्ट्रेट की तैनाती, यहाँ आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती पहले से ही की गई थी।
बैरिकेटिंग्स बनाई गई थी चारों तरफ, और उस बैरिकेटिंग्स के बीच, सुरक्षा के बीच जो है वो बाबा निकले हैं। किसी भी तरह की कोई घटना ना घटे, कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर सुरक्षा के हर वो जांच भी किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं घटना को लेकर ये रात में खबर चल रहा था कि कुछ भी हो सकता है, हालांकि इसको लेकर जो बिहार पुलिस है पूरी तरीके से हर जगह चप्पे चप्पे पे तैनात थी, और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है यहाँ से उनको होटल ले गया है, और उसके बाद वो नौबतपुर जाएंगे जहाँ पर उनका कथा चलेगा। और इसके लिए तमाम जो लोग हैं लाखों की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जब बाबा जो है नौबतपुर में जाएंगे वहाँ पर भी भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। वहाँ की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।